आप लोग मस्त बढ़िया। पहले तो जी बल्ले बल्ले और लख लख बताइया कि आपने ये सोचा कि मैं कनाडा आऊंगा या आऊंगी। या तो आपने एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू कर दिया है या फिर पिया लेके बैठे हो बस ये वायरस का स्यापा खत्म हो और आप उड़ के यहाँ आ जाओ जी मेरे पास। हाँ जी, तो आज के इस वीडियो में ना मैं आपसे वो तीन इम्पोर्टेंट चीजें शेयर करने वाली हूँ या तीन इम्पोर्टेंट बातें जो शायद मुझे पहले पता होती ना तो मैं ज्यादा मेंटली प्रिपेयर्ड होती कनाडा आने से पहले। तो क्या आप तैयार हो? तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। इसके पहले कि ये वीडियो शुरू करें अपना इंट्रोडक्शन तो हुआ ही दोस्त। मैं हूं तनुश्री राफेल और मैं आपका स्वागत करती हूं मेरे YouTube चैनल में। और अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो ना तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो और मेरे परिवार का हिस्सा बन जाओ, क्योंकि जब आप ऐसा करते हो ना मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई अपना मिल गया सच में। तो चलो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पहली इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे आपको बतानी है, जो आप कनाडा आने से पहले अपने आप को मेंटली प्रिपेयर इस बारे में कर लो, वो ये है कि दोस्त यहां आके ना घर के और बाहर के सारे काम खुद करने पड़ते हैं। हां जी, फिर से बोलूं, घर के या बाहर के सारे काम यहां खुद करने पड़ते हैं, चाहे वो घर का पोछा लगाना हो, चाहे बर्तन मांजना हो, चाहे कुछ भी। तो जब आप कनाडा आ रहे हो बाकी चीजें तो आप सेट करते ही हो और उनके बारे में तो आपने पता कर ही लिया होगा, बट ये ना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो स्पेशली हम औरतें जब इंडिया में रहते हैं ना हम बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर नहीं रहते इस बारे में। हमें ऐसा लगता है घर में तो बाई है, घर में तो कुक है, ये है वो है, और जब हम यहाँ आ जाते हैं सब कुछ हमारे सर पे पड़ जाता है। तो भाई और बहनों प्लीज अपने सर पे ये चीजें मत लाना। जब आप कनाडा आने का सोचो तो मेंटली प्रिपेयर होके आना कि यहाँ आके आपको सारे काम खुद करने हैं। अगर ऐसा करोगे तो आप यहाँ आके खुश रहोगे। तो चलो चलते हैं अब दूसरे पॉइंट पे। तो दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि आप कनाडा आने से पहले आपने उसके बारे में पूरा स्टडी किया होगा, दोस्तों से सुना होगा, रिश्तेदारों से सुना होगा कि यहाँ ना बहुत ठंड पड़ती है। हाँ जी, यहाँ बहुत ठंड पड़ती है ये आपको पता है, लेकिन कितनी ठंड? वेल, आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे ना क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत ज्यादा हार्श हो जाते हैं या बहुत कठिन हो जाते हैं, स्पेशली ठंड के टाइम पे वो -30 या -40 तक भी जा सकते हैं। और अगर बर्फ हो चारों तरफ और विंड स्पीड हो, यहाँ पे विंड स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो हवा की रफ्तार है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हवा की रफ्तार यहाँ पे 40 किलोमीटर प्रति आर या फिर 70 किलोमीटर प्रति आर भी जाती है कभी कभी। तो जब आप नए नए कनाडा आते हो ना ये सब चीजें ना हम प्रिपेयर नहीं होते हैं, हमें लगता है अरे यार ठंड होगी, इंडिया में ठंड होती है, हम -2 -3 तो भैया जेल ही लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है, कनाडा में भी जेल लेंगे। लेकिन दोस्त अपने यहाँ से ना स्ट्रांग होके आना, क्योंकि जब विंड के थपेड़े पड़ते हैं ना या थप्पड़ पड़ते हैं ना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि नए नए आते हो ना, आपके पास कार है ना ही कोई साइकिल है ना ही कोई स्कूटर, तो खैर चलता ही नहीं यहाँ पे, ठंड में कहाँ चलाओगे स्कूटर, बहुत ठंड होती है। तो ये सारी चीजें आपके पास है नहीं, आपको कुछ भी लेने के लिए पैदल जाना पड़ता है या फिर बसेस का वेट करना पड़ता है। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे बसेस का ना वेट टाइम बहुत ज्यादा होता है जब आप बस में ट्रेवल कर रहे होते हो। ऑल्दो कुछ कुछ बसेस की फ्रीक्वेंसी होती है, बट बहुत सारे ऐसे बसेस होते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है, और अगर आप एक मिस कर दो तो उसके बाद आपको कम से कम आधा घंटा रुकना पड़ता है दूसरे बसेस के लिए, और ठंड के टाइम पे ये बहुत मुश्किल का काम है। तो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके आना, स्पेशली अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हो तो बच्चों के सारे कपड़े और जो भी चीजें हैं मोजे वोजे, मैं तो बोलूंगी लोग बोलते हैं यहाँ के खरीदो, यहाँ आके तो खरीदोगे, बट वहां की चीजें भी ना छोड़ के मत आना, जितना हो सके लेके आना, कम से कम कुछ नहीं तो घर पे ही पहन लोगे। ये मैंने समझदारी वाली काम की थी और मैं इंडिया के सारे कपड़े ना यहाँ लेके आई थी और मेरे यहाँ पे यूज हुए, क्योंकि क्या करना पड़ता है ना, मैं आपको एक टिप बताती हूँ, यहाँ पे ना लेयरिंग करनी पड़ती है, लेयरिंग मतलब परत लगानी पड़ती है। जब आप बाहर जाते हो अगर आप एक कपड़ा कोई पहन के जाओगे वो आपको नहीं बचा सकती ठंड में, आपको 3-4 कपड़े पहनने पड़ते हैं। तो यहाँ आके आप वो 3-4 कपड़े तोड़ ना खरीदोगे, इंडिया से लेके आ जाओ, बाकी एक जो बड़ा सा जैकेट है या कुछ अच्छी चीज है वो यहाँ आके खरीद लो, उससे क्या होगा कि आपका कॉस्ट भी बच जाएगा और आपको जो ठंड है वो कम लगेगी, लगेगी
पक्का लगेगी, जब शुरू शुरू आओगे ना तो पक्का लगेगी। तो इस बात के लिए ना प्रिपेयर होके आना कि जब कनाडा आओ तो आपको भैया क्लाइमेटिक कंडीशंस तो झेलने ही झेलने हैं। और एक बात बताऊं, अभी अप्रैल का महीना है बट अभी भी ठंड है, यहाँ पे ठंड पूरी तरह से गई नहीं है, तो यहाँ बहुत टाइम तक ठंड रहती है, तो इस चीज के बारे में सोच के आना। ये है मेरा दूसरा पॉइंट। मुझे पहले पता था कि यहाँ कनाडा आने से ठंड होगी, पर कितनी होगी और कितनी देर तक होगी इसके बारे में ना कोई नॉलेज नहीं थी। उसके लिए ना मुझे बड़ी तकलीफ हुई जब मैं यहाँ आई, तो ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। तो चल अब चलते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा जो पॉइंट है ना वो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मैं बोलूंगी आपको इस चीज का ध्यान रखना ही रखना है। मैं तो स्ट्रेस करूंगी रखो इस चीज का ध्यान, क्योंकि इस चीज का ध्यान नहीं रखोगे तो बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। अब क्या होता है कि जब हम कनाडा या किसी भी बाहर देश जाने का सोचते हैं ना, इंडिया से बाहर जाने का सोचते हैं, हमें लगता है ड्रीम कंट्री है, बस जाएंगे और लोग ऐसे 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 हाथ पसार के फैले हो खड़े होंगे हमारे लिए कि बस ये आए और हम इसको नौकरी दे दे। जी ऐसा नहीं होता है यहाँ पे। यहाँ क्या होता है कि बहुत लोगों को ना 6 महीने भी लग जाते हैं या 8 महीने भी लग जाते हैं अपने फील्ड में नौकरी पाने के लिए। तो जब आप यहाँ पे आओ तो मेरा तीसरा पॉइंट ये है कि अपना फाइनेंशियल बैकअप लेके आओ एटलीस्ट 6 महीने का। मतलब कि 6 महीने तक अगर आपको नौकरी ना भी मिले ना तो आपके पास इतने पैसे होने चाहिए कि आप सर्वाइव कर सको। और एक बात, यहाँ पे जो घर का जो कॉस्ट होता है ना, जो रेंट हम देते हैं वो सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा। अगर यहाँ पे आप आके रह रहे हो तो मिनिमम 50 से 60 हजार, तो आपको वो मैं मिनिमम बता रही हूँ, उससे ज्यादा होता है, मिनिमम बता रही हूँ, 50 से 60 हजार रुपए तो आपको प्रति महीने एज रेंट देना ही पड़ता है। तो इस चीज का मैं रफ एस्टिमेट बता रही हूँ, ये मैं कोई कैलकुलेट करके नहीं बता रही आपको, मैं रफ एस्टिमेशन दे रही हूँ। तो अगर जब आप यहाँ पे आते हो तो ये सोच के आओ कि हर महीने मेरे 60 से 70 हजार रुपए सिर्फ रेंट जाएंगे, प्लस खाने का खर्चा है, प्लस अगर आपके वो लैंडलॉर्ड ने अगर आपको बिजली वगैरह भी अगर आपके पास छोड़ा हुआ है तो आपको उस चीज का भी खर्चा देख के आना पड़ेगा। तो इस चीज का पूरा बैकअप लेके आना, क्योंकि यहाँ पे आके ना कोई जादू नहीं होता है, यहाँ पे कोई हाथ पसारे नहीं खड़ा रहता है कि आप आओ और आपको नौकरी मिल जाए, अनलेस एंड अंटिल आप वर्क वीजा पे आ रहे हो। तो ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो दोस्तों मेरे ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मुझे ऐसा लगा मुझे आप लोग के साथ शेयर करनी चाहिए, ताकि आप जब यहाँ पे कनाडा आओ तो मेंटली प्रिपेयर्ड होके आओ। ये ना बहुत अच्छी कंट्री है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है। क्लाइमेट कंडीशन, क्लाइमेट ना जब ठंडिंग होती है ना, जब ऐसे मस्त सुंदर सुंदर पेड़ हिलते हुए दिखते हैं या चिड़िया उड़ती हुई दिखती है ना, बहुत सुंदर लगता है। ये कंट्री बहुत सुंदर है, ये आपको बहुत सारी चीजें देगी, बट इनिशियल स्ट्रगल ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जब हम नई चीज को शुरू करते हैं ना, ये नई जगह कभी आते हैं ना, तो हमें ना अपना मेंटल चीज ना बना के आना चाहिए, अपने मेंटली प्रिपेयर होके आना चाहिए, तभी हम यहाँ पे सरवाइव कर पाएंगे। तो इसलिए मैंने आपके साथ आज ये सारे पॉइंट शेयर किए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन पे कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, ये तो भूलना बनता है ना मेरा, और कीप लाइकिंग सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग माई चैनल। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और जल्दी से आ जाओ, हम दोनों मिलकर बातें करेंगे, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।